नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हरदोई के अंदर नया पुलिस थाना बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया पुलिस थाना देने के निर्देश दे दिए हैं। सवाईजपुर तहसील के अंदर बनेगा नया पुलिस थाना। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फैसला किया गया। अपराध पर अंकुश, महिलाओं को बेहतर माहौल देने के लिए फैसला किया गया। एसीएस गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी दी है। तो सवाईजपुर तहसील के अंदर नया पुलिस थाना बनेगा। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए यह फैसला किया गया। एसीएस गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जानकारी दी गई। अपराध पर अंकुश और महिलाओं को बेहतर माहौल देने के लिए फैसला किया गया। तो हरदोई में बनेगा नया पुलिस थाना। खबर लखनऊ से, जहां पर लामार्ट्स स्कूल के अंदर 6 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएमओ और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी पहुंचे स्कूल। स्कूल में दिशा निर्देश के बाद अलर्ट जारी किया गया। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच होगी। तो लामार्ट्स के अंदर कुछ कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ और अन्य अधिकारी वहां पहुंचे। स्कूलों में दिशा निर्देश के बाद भी लगातार अलर्ट जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर केसेस सामने आ रहे हैं। तो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वालों की अब जांच होगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। लामार्ट्स स्कूल के 6 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो लखनऊ से यह खबर है, लामार्ट्स स्कूल के 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। सीएमओ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्कूलों में दिशा निर्देश के बाद भी अलर्ट जारी है और उसके बावजूद भी लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। तो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच की जाएगी। चंदौली से खबर है, जहां पर युवक से 2.5 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकालकर जा रहा था युवक और बाइक सवार हथियार बंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले युवक को पीटा गया, फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बबरी थाना क्षेत्र के पांडेपुर का पूरा मामला है। तो बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकालकर जा रहा था युवक और बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो युवक से 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को चंदौली में अंजाम दिया गया है। पहले युवक को पीटा गया, फिर लूटपाट की गई। तो बबुरी थाना क्षेत्र पांडेपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक से 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। पहले युवक को पीटा गया, फिर लूटपाट की गई। हाँ सर, पैसा तो छीन गया है। किसका पैसा था? कौन पैसा सर? हमारा था, हमारा भाई था, मौसी का लड़का। हम हमेशा पैसा निकालने के लिए उन्हीं को भेजते हैं। वह लड़का जाता था, पैसा निकाल कर हमको ले आकर दे देता था। पैसा निकाला सर, वह गया लेकर मोबाइल लेकर, लौट रहा था वापस, बीच ताल में उनका छिनैती हो गई। बदमाशों ने कट्टा पिस्टल दिखाकर उनको मार कर गट्टा दोहर कर पैसा छीन लिया। लड़का घर से गया है मनोहरपुर, और मनोहरपुर से चेक काटे हैं कल्लू बिंद ने 2.5 लाख का। तो बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाले हैं और मोबाइल भूल गए हैं। और मोबाइल गए हमारे मछरियाँ घर पर नहर पर लेने हैं, मोबाइल लेकर वापस हो रहे हैं मनोहरपुर ले जा रहे हैं। वो ताल में बीच में वो बदमाश दो बाइक सवार रोक कर, तो सोचे कि हाँ कोई आदमी आ रहा हो रोक लें। अब तुरंत गट्टा बाज कर गट्टा ऐंठ दिया और पिस्टल दिखा कर लड़का का पैसा पैंट में था, दोनों खींच लिया पैसा। कितना पैसा था? 2.5 लाख रुपया सर। 4 गड्डी 50-50 हज़ार का, एक 25 हज़ार गड्डी अथवा 2-2 हज़ार का। और बाद लड़का हमने फ़ोन किया मोबाइल पर, पापा ऐसा सा हो गया जल्दी आइए। तो बहुत जल्दी हम वहाँ से भाग रहे थे, वहाँ से 2 किलोमीटर का दूरी था मछरियाँ से पचोखर ताल। तो युवक से 2.5 लाख रुपए की लूट की गई चंदौली के अंदर। पहले युवक को पीटा, फिर उसके बाद लूटपाट के अंजाम की घटना को अंजाम दिया गया। बैंक से कैश निकाल कर ये युवक जा रहा था और उसी दौरान इसको रोक लिया गया, मारपीट की गई, लूटपाट की घटना को बेधड़क बेदिन दहाड़े अंजाम दिया गया। तो पहले युवक को पीटा गया था, उसके बाद उससे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। राम कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ चंदौली से जुड़ गए हैं। राम कुमार, अभी तक क्या इन बदमाशों की कोई जानकारी लग पाई है? जी सर, मामला जनपद के भवरी थाने क्षेत्र का है, जहां पांडेपुर से एक युवक बैंक ऑफ इंडिया से 2.5 लाख रुपए निकालकर अपने बुलेरो गाड़ी से चला था और दो बाइक सवार बदमाश ओवरटेक करके उसके गाड़ी को रोका और जैसे ही गेट उसने खोला उसको उतार के पीटना शुरू कर दिया और तमंचा सटा दिया और जेब में रखा 2.5 लाख रुपया मौके से लूटकर फरार हो गए। जैसे ही जानकारी पुलिस को हुई, मौके पर पहुंच के छानबीन में जुट गई है, लेकिन अपने आप में एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस समय घटना हुई आईजी रेंज वाराणसी जनपद में ही मौजूद थे और मुगलसराय थाने का निरीक्षण कर रहे थे। अब बदमाश तो मौके से लूटकर फरार हो गए हैं और लोगों में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर
इतना बड़ा अधिकारी जनपद में मौजूद है उसके बाद भी बिल्कुल बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा अधिकारी अगर जनपद में है तो वैसे भी वहां पर पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाता है और उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो जाए तो एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो योगी सरकार के पांचवें बजट से आने वाले दिनों में यूपी को कितना फायदा होगा, इसी मुद्दे पर इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है, उसी के अंश आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए रामाशंकर कठेरिया जी है, बीजेपी सांसद है। सर, बजट आया योगी सरकार का, क्या कुछ खास रहा बजट में? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है लगभग 5.5 लाख करोड़ का है। पहली बार उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा बजट, और उसमें जो खासियत है वो खासियत ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और वो सपना है कि हमारा जो भारत है वो एक आधुनिक भारत बने, एक स्वावलंबी भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, हमारे देश का किसान मजबूत हो, हमारे देश के जो मजदूर हैं वो मजबूत हों, स्वावलंबी बने, और नई शिक्षा नीति के दृष्टि से भी इस बजट में बहुत कुछ विशेषताएं हैं। इसी के साथ साथ वहाँ इस बजट में एक उत्तर प्रदेश में नई उद्योग नीति के आधार पर मैं कहूँ कि जो MSME का छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो हुनर है, उसको बढ़ावा देने का इस उत्तर प्रदेश के बजट में बहुत ध्यान रखा गया है। लेकिन सर, अखिलेश यादव तो सरकार पर निशाना साध रहे हैं बजट को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव तो झुंझलाट में बोलते हैं क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, उनको भविष्य में भी लगता है कि जितनी सीटें उतनी बचेंगी नहीं, और इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहली बार जो 5.5 लाख करोड़ का बजट आया है उसको आज व्यापक तौर पर देखें तो सभी क्षेत्रों में मुझे लगता है कि बहुत बड़े उत्तर प्रदेश ये उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में ये बजट सिद्ध होगा। सर, उन्नाव मामले में अब तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची? देखिए, उन्नाव में जो प्रशासनिक तौर पर जो रिपोर्ट आई है और जो सच्चाई सामने आई है उसके आधार पर वहाँ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ रामाशंकर कठेरिया जी, जिनका कहना है कि उन्नाव मामले में सख्ती से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो आगरा में किसानों को राकेश टिकैत ने संबोधित किया। 40 लाख ट्रैक्टर्स लेकर किसान करेगा दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, आंदोलन में बना नया समाज। भाकियू प्रवक्ता ने कहा, अब किसान समाज के नाम से होगी सभी किसानों की पहचान, जब तक कृषि बिल की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। युवाओं को मिट्टी से जोड़ेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया। तो आंदोलन में बना नया समाज, भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। अब किसान समाज के नाम से होगी सभी किसानों की पहचान। तो 40 लाख ट्रैक्टर्स लेकर किसान आंदोलन होगा दिल्ली के अंदर, अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। आगरा में राकेश टिकैत की तरफ से इन बातों को कहा गया। अपने खेती का भी काम करता रहे और अपने गांव से टोलियां बना करके 10-10 दिन की 8-8 दिन की दिला, और आंदोलन भी मजबूत होगा। आपसे केवल 30,000 रुपए में होता क्या है, महंगाई कहां जा रही? उन मुद्दों पर भारत सरकार बातचीत करेगी। जो हमारे 3 बीते हैं उनको वापसी लेने, जो MSPF का कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। जब भी सरसों के किसान को फायदा होगा, बाजरे के किसान को फायदा होगा, आसाम के धान के किसान को फायदा होगा, तो इन चीजों का फायदा होगा। MSP पे कानून नहीं है तो आते रेट में फसलों की बिकाई हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आगामी कदम क्या होगा आपका? देखो, अगर नहीं बन गया, अगर नहीं बन गया, देखो नहीं बन गया, हम पूरे देश में जाएंगे आंदोलन करने का, बड़ा बता रहे हम लोग, बोलेंगे उनको, कहेंगे कि आप आंदोलन। खबर बाराबंकी से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। किसानों की महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे नरेश टिकैत। जिले और आसपास के हजारों किसानों ने महापंचायत में शिरकत की। तो वहीं न्यूज वन इंडिया के संवाददाता भोलानाथ ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत से खास बातचीत की। चल रही इसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या वजह है, कब तक ये आपका आंदोलन चलता रहेगा? धन्यवाद देना चाहता हूँ। आंदोलन तो सरकार की गलत नीति तो चल रहा, हमें कोई शौक नहीं है, कोई हमें कोई लालच नहीं है,
इतना लंबा आंदोलन चल गया, हमें भी महसूस है, पर क्या करें, सरकार की जिम्मेदारी है इस आंदोलन को बातचीत के जरिए पे इनका समाधान करा जाए। तो बातचीत हल होनी चाहिए, बातचीत के जरिए तो हल होनी चाहिए, ये उसमें वो ना करे अगे कितने दिन चलेगा कितने दिन चल लिया, ये कोई वो नहीं है ना, इसका कोई ये समाधान है। सरकार इसे गंभीरता तले और इसे बातचीत के जरिए इस आंदोलन को समाप्त कर। सरकार ने कृषि कानून को 2 साल के लिए होल्ड किया है, फिर उसके बावजूद आंदोलन लगातार चल रहा है। वो MSP का भी तो बात है, MSP का कानून बना दो, ये जितने मुकदमे है ये वापसी लो, सब बात तो बतेरी है। दो साल के लिए होल्ड करके काम थोड़े चले। अभी तक ये देखने को मिलता था कि पूर्वांचल के लोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए, तो क्या महापंचायत पूर्वांचल में करने का यही एक वो है कि पूर्वांचल के लोग आंदोलन में शामिल हो? एक तो बताओ, ये तो अपना परिवार है यहाँ, ये बहुत दूर पड़े हैं दिल्ली यहाँ से, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ तो रेल चला दो, पता लग जाएगा पूर्वांचल का। पूर्वांचल ने तो हमेशा किसानों की सम्मान बचा, कुछ भी आपात स्थिति में पूर्वांचल का तो बहुत सहयोग रहा, धन्यवाद है पूर्वांचल का। हम इसमें तो थोड़ा है ना कम, थोड़ा अंक है, ये तो एक हमारे परिवार का हिस्सा है पूर्वांचल, अगर कभी इनकी जरूरत पड़ी तो चले जाएंगे, पूरे चले जाएंगे, कोई वो नहीं। 2022 विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर किस तरह आप किसानों को क्या मतलब चुनाव में कोई इसका प्रभाव पड़ेगा या किसानों को जागरूक करेंगे? किसान तो अपने आप ढूंढ लेंगे जगह, किसान उनके साथ लड़ाई लड़ रहा है, किसान सब जान गए भी अपने दुख सुख के बाद किस उसमें खुश है, कौन पार्टी इनकी वो करे, ये अपने आप जान लेंगे, कोई ना कोई बहकावे में नहीं आने गए। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, जो जिन्होंने बताया कि कृषि कानून यदि वापस नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। बाराबंकी से News1 India के लिए भोलानाथ। तो अयोध्या दौरे पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा हनुमानगढ़ी पहुंचकर माथा टेका, रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। 27 फरवरी तक अयोध्या में रहेंगे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे। तो हनुमानगढ़ी पहुंचकर माथा टेका और रामलला के मंदिर को लेकर, भव्य मंदिर को लेकर यहां पर तमाम लोगों से बातचीत हुई। फिलहाल राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी मिलेंगे। कानपुर से खबर, चकेरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने किडनैपर से 6 लड़कियों को मुक्त कराया है। सर्विलांस टीम की मदद से सकुशल बरामद किया गया, मामले में पुलिस ने किडनैपर्स को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी युवतियों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो चकेरी क्षेत्र में अलग अलग जगह से गायब हुई लड़कियां मामले में गिरफ्तार किडनैपर से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने किडनैपर से 6 लड़कियों को मुक्त कराया, सर्विलांस टीम की मदद से सकुशल बरामद किया गया, मामले में पुलिस ने किडनैपर्स को भी गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने सभी युवतियों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना चकेरी का पूरा मामला कानपुर। तो सर्विलांस टीम की मदद से सकुशल बरामद किया गया, चकेरी पुलिस को एक बड़ी सफलता कानपुर के अंदर लगी है, जहां पर पुलिस ने किडनैपर से 6 लड़कियों को मुक्त करा लिया है। चकेरी पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 लड़कियों को किडनैप करने के बाद पुलिस इन तक पहुंची। सर्विलांस टीम की मदद से ये इन किडनैपर्स तक पहुंची पुलिस की टीम, और उसके बाद इन 6 लड़कियों को मुक्त कराया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी युवतियों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, उनसे पूछताछ भी की गई। चकरी क्षेत्र के अंदर अलग अलग जगह से गायब हुई थी ये लड़कियां। कानपुर के चकेरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, सर्विलांस टीम की मदद से सकुशल बरामद किया गया, पुलिस ने किडनैपर से 6 लड़कियों को मुक्त कराया है। रमन गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, 6 लड़कियां अलग अलग जगह से गायब हुई थीं और उसके बाद किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा ली गई हैं, क्या पुलिस के हाथ में तमाम ऐसे सुराग लगे थे जिसको ट्रेस करके किडनैपर्स तक पहुंची है पुलिस? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला चकेरी थाने का है,
जहां पर कई दिनों से जो है ये अपहरण करता जो लड़की थी कई दिनों से जो है गायब थी। पुलिस ने इसमें कई टीमें लगा रखी थी। इसमें जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है, जो छह लड़कियां हैं उनको अलग अलग प्रदेशों से बरामद किया जाता है। इसमें चार अभियुक्तों को भी पकड़ा गया है जिनके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज था, उनको अपहरण का मुकदमे में जेल भेजा गया है और छह लड़कियों को साकुशल बरामद करके उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। जी तुषार, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नोएडा में न्यूज वन इंडिया की खबर का एक असर देखा गया। मुआवजा बांटने में हुए घोटाले का यह पूरा मामला है और घोटाले की जांच अब जारी है। अब मामले में एफआईआर भी दर्ज होगी। जी हां, 12 प्रकरण के अंदर 89 करोड़ से ज्यादा मुआवजा बांटने में अनियमितता की गई थी। वसूली के लिए 9 मामलों में जारी की जा चुकी है आरसी। प्राधिकरण ने बताया कि 2015-16 के दौरान की गई थी यह अनियमितता और नोएडा में मुआवजे बांटने में हुई अनियमितता को लेकर प्राधिकरण ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्राधिकरण अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय ले चुका है। साथ ही 15 में से 9 मामलों में प्रकरण के अंदर नोटिस जारी कर वसूली की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं नोटिस के खिलाफ 6 मामलों में काश्तकारों की ओर से उच्च न्यायालय में दी गई याचिका को खारिज कर दिया गया, जबकि नोटिस की याचिकाओं पर अभी सुनवाई होना बाकी है। मामले में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मामले में जो भी अनियमितता बरती गई है वो साल 2015-16 के दौरान की गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बैठक की, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक की। कृमि मुक्ति कार्यक्रम और संचारी रोग अभियान पर चर्चा की गई। ऑनलाइन बैठक में डीएम ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 21 फरवरी को शुरू हुआ अभियान 2 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को पेट के कीड़े की दवा खिलाई जाएगी। इसी प्रकार जन सामान्य को विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 1 मार्च से 31 मार्च तक ये संचालित होगा संचारी रोग अभियान। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर दोनों कार्यक्रमों को सरकार की मंशा के अनुरूप सफल बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सुहास एलबाई ने यह बैठक की, तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया। ऑनलाइन बैठक में डीएम ने दिशा निर्देश दिए। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर यह ऑनलाइन बैठक की गई है। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर यह ऑनलाइन बैठक थी। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने यह तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी की, जिसमें निर्देशित किया कि किस तरह से इस पूरे अभियान को आगे लेकर बढ़ना है। नोएडा से ही खबर, जहां पर माउंट एवरेस्ट फतेह टीम के सदस्यों से मिले जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने की मुलाकात। जिलाधिकारी ने पर्वतारोही टीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। माउंट एवरेस्ट समेत 11 देशों की सर्वोच्च चोटियों पर देश का तिरंगा लहरा चुके हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह टीम अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह टीम के सदस्यों से मुलाकात जिलाधिकारी ने की। तो यूपी विशेष में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।